राम राम भाई। खंडके खुंडके किसे तैयार कर रखे? खंडके भाई दीपेंद्र उड़ाई सेना आया। अच्छा जी। हाँ। कोई संगठन है के ग्रुप है? संगठन है सारा? नहीं, संगठन है, गांव बड़म्बा से है। अच्छा जी। और बाबा कृष्णनाथ फुटबॉल क्लब का संगठन है। अच्छा जी। तो गांव में एमपी साहब ने फुटबॉल की बहुत बढ़िया व्यवस्था दी है गांव बड़म्बा को, जिसमें एक शानदार स्टेडियम का निर्माण करवाया गया है। अच्छा जी। और स्टेडियम में खेल करवाते हैं तो दिन रात के खेल होते हैं स्टेडियम में। लाइट लुइट पूरी है? लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी दी थी, लेकिन इस राज में मछरा ने खुआ लिया भाई। अभी लड्डू खा ले तू पहले। मेरा गला खराब हो रहा है। राम राम जी। किसे के गुस्तैरी लग रही है? 2 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे एमपी साहब इस बार। अच्छा जी। हाँ जी, पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अच्छा जी। किसी की तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी इसी हाड़ा चाहे कोई आज जड़ुआ पो जाए दीपेंद्र ने जता देंगे। एक और है भाई साहब, एक जो कैंडिडेट अपने आए हैं नए, अरविंद शर्मा जी जो पैरासूट कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, तो भाई साहब इसने एक बहुत बड़ी बात कही थी। जब यो कांग्रेस पार्टी से बसपा में शामिल होया और बसपा में शामिल होते इसने एक बयान दिया था कि सारा विकास तो दीपेंद्र भूपेंद्र ने उड़े कर दिया। हाँ जी जी। तो भाई हम वोट भी नहीं दे। राम राम जी। राम राम भाई साहब। के कुछ कहना जी आपका? कहना ये दीपेंद्र की टक्कर में कोई नहीं है। दीपेंद्र ने जितने विकास याद करे है इतने पूरा हरियाणा में भी नहीं हुए इतने। अच्छा जी। हाँ, 58-60 तो ऐसी 58-60 तो ऐसी संस्थाएं है। भाई ला दे दो रे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा भाई साहब, दीपेंद्र ने ये काम करे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और जो हरेक गांव में पानी पहुँचाना है या बिजली का पहुँचाना है, इतने काम इसने कर दिए, इतने कोई भी नहीं कर सकता। शिक्षा के ठाम साठक कॉलेज आए हैं जो आए हैं, मैं दो तीन तो पॉलिटेक्निकल और ITI ये आए हैं, बहुत घना फर्क पड़ा इसमें शिक्षा में भी। अच्छा, महिला कॉलेज भी बने हैं। अच्छा जी। प्रोफेसर साहब। हाँ जी। गवर्नमेंट का? अच्छा, फिर रहने दो, कोई बात नहीं, बोलिया जी अपना छोटू भाई बता। अच्छा, देगा बात तो जी, भाई जी हमारा युवा संगठन। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई ठीक ठाक है? ठीक है। किसने जिता होगा भाई? दीपेंद्र ने जिता है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे डट जाए यार, ये पर करने चल रही है। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई ठीक ठाक है? ठीक है भाई। किसने जिता होगा? दीपेंद्र हुड्डा भाई। पक्की बात? मैं तो दांगी भाई। अरे इबे दंगी का जिक्र नहीं, इबे एमपी का जिक्र। हां, एमपी दा दीपेंद्र हुड्डा भाई। हां, पक्की बात? पक्की कती भाई? दीपेंद्र ने भाई, दीपेंद्र भाई। अरे भाई दीपेंद्र ही बॉडी पे पक्की है। पक्की है। अच्छा रे। राम राम भाई। राम राम भाई। किसने जिताओ? दीपेंद्र ने भाई। पक्की बात है? अच्छा रे। देख देख भाई। हां भाई, दीपेंद्र ने भाई। पक्की बात? भाई का ब्याह करवाना है। अरे का ब्याह करवाना है। राम राम जी। इलेक्शन आगे किसने जिताओ? दीपेंद्र ने। दीपेंद्र ने। ठीक मानस है। अच्छा। राम राम जी। इलेक्शन आगे किसने जिताओ? अब तो दीपेंद्र हुड्डा ने जिताओगे, कई हजारा वोटा थे। कई हजारा वोट? हाँ, कई हजारा था। डोब गांव तो सारा उनने का। अच्छा। हाँ, पक्का है। हर नौजवान हमारे इलाके का और किसने जाएंगे? दीपेंद्र है। दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र ने जिताओगे। ठीक है। तो जी दीपेंद्र जी का तो भाई यार सब आए, एक नंबर का है। के कहूँ? राम राम जी। राम राम। अच्छा, देखो कांग्रेस की गाड़ियाँ जी। तो भाई नमस्कार जी, और जी कैसे हो सर? सर एक छोटी सी बाइट सर, सारे के सारे दीपेंद्र, दीपेंद्र जी, दीपेंद्र में खास बात क्या है जी? मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव है, हाँ जी जी, ये हम हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की झूठ और फूट की राजनीति से। इस इलाके को दोबारा से विकास के पहिए को इस इलाके में दोबारा घूमें, ताकि हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य सुख सवरे, इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। और अपने काम और व्यवहार, जो एक तपस्या लोगों के बीच में रह के जो जैसी ड्यूटी लगाई थी, उसको मैंने ईमानदारी से और मेहनत से उस ड्यूटी को निभाने की कोशिश करी है। तो उस काम और व्यवहार को लेकर लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, और लोगों का पूरा साथ और आशीर्वाद मिल रहा है। लोगों का, मैं जहाँ तक मैंने आपको देखा है मीडिया में, मतलब बातों से, आज मैंने आपका भाषण भी देखा, बातों से राजनीतिकता नहीं झलकती भाई, घुमा फिरा के डिप्लोमेटिक आंसर दे दें तो ये हमारा परिवार है, ये अच्छा। हमारा परिवार है, हम राजनीतिक भाषण ही नहीं देते, ये परिवार है। हम राजनीतिक भाषण के लिए बहुत नेता और हैं, ये हमारा घर और परिवार है, यहाँ तो घर और परिवार वाली बात है। राजनीति थोड़ी चल रही है सर। एक इंटरव्यू और सर मेरा एक 10 मिनट आप दे दे, आप आगे आगे लेना। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अरे शर्मा जी, अर्जुन है,
सारे अर्जुन बना रखे हैं, हाथ पर निशाना मारना है। ठीक है जी शर्मा जी, धन्यवाद जी। तो जी जिसा दिमाग में इस वाला उसे ही पूछ लिया भाई। अपा एक मिनट, कौन से गांव में जाओ? कौन सी खेड़ी? गद्दी खेड़ी। ठीक है जी, आ रहा हूँ जी, गाड़ी ले रहा हूँ मैं भी। तो जी अब चलेंगे भाई उड़े। अरे जिसे एक सवाल जवाब हमें है, जिसे एक बात करनी है बांगी टेढ़ी, कर लेंगे भाई, बतला लेंगे। धन्यवाद भाई, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।